So, students, to our chapter 16, that is present tense, this is the first type of tense that we are going to study. So, that is present tense. So, first, we must know what is present tense. Present tense is used in a sentence to indicate that the action happens or takes place in the present time or at the time of speaking. जिसमें आप बात कर रहे हैं उस समय जो कार्य चल रहा है उसको इंडिकेट करने के लिए जो टेंस हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज टेंस। ओके वी कैन ऑल्सो कॉल इट डिस्क्राइबिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग राइट नाउ इज नोन एज टेंस। ओके फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज

To understand this chapter tense. Okay. So you please learn verbs. <coughs> three forms of verbs. Okay. Let's move towards your first tenses, Simple present tense. So what's this structure? Look at here. Subject. Plus verb ki first form and verb fifth form. Fifth form and first form similar at the students. Plus object. Okay. And plus object. नाउ लुक एट वेयर वी यूज सिंपल प्रेजेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंटेंस का यूज कहा करते हैं दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन हम सिंपल प्रेजेंटेंस को हैबिचुअल मीन्स जो चीज हमारी हैबिट है जो हम रोज करते हैं उनको शो करने के लिए उसको जब हमें शो करना है देन वी यूज इट सिंपल प्रेजेंटेंस ओके इट एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ जो जर्नल ट्रूथ है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं इन चीजों को शो करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंटेंस का यूज करते हैं इट एक्सप्रेस साइंटिफिक फैक्ट्स, जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो भी हम सिंपल प्रेजेंटेंस में यूज राइट करते हैं ओके आफ्टर दैट इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर इवेंट दैट इज अ पार्ट ऑफ ए प्लान और अरेंजमेंट और अ सीरीज़ ऑफ सच प्लान एक्शंस सो so स्टूडेंट्स हम सिंपल प्रेजेंटेंस का यूज करते हैं जब हमारी हम कोई प्लान कर रहे हैं किसी फंक्शन का कोई अरेंजमेंट हमने किया है तो उनमें जब हमको कोई सेंटेंस लिखना है देन वी आर गोइंग टू यूज सिंपल प्रेजेंटेंस ओके लुक एट हियर दिस सेंटेंस इंडिकेट दैट द इवेंट्स हैव ऑलरेडी बीन फिक्स्ड ये जो इवेंट्स हम यूज करते हैं यहाँ जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में ये इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं और ये चेंज नहीं हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी को आ, कोई कार्ड देने जा रहे हैं कुछ भी तो उसमें जो आप वेन्यू लिखते हैं जो आप डिसाइड करते हैं दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज वो चीज फिक्स होती है ओके गेस्ट अराइव एट एलेवन आई एम ऑन थर्सडे तो ये चीज फिक्स हो चुकी है इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज दैट्स वाई वी वी यूज यर सिंपल प्रेजेंटेंस ओके नेक्स्ट इट इज यूज इन प्रोवर्ब जो कहावते हम इंग्लिश में है हमारी विच हैव द फोर्स ऑफ पर्मानेंट ट्रूथ जिसमें पर्मांट ट्रूथ है जो सच है उसमें हम सिंपल प्रसेंटेंस का यूज करते हैं इट इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इज इन द इफ क्लॉस ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेज ओके इट इज ऑल्सो यूज विथ क्लॉसेस दैट आई हैड टू स्टडीड यू इन योर चैप्टर टेन ओके इफ इट रेन्स

फोर्थ फॉर्म यू नो फोर्थ फॉर्म आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओकेस इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग जिसमें आप बात कर रहे हैं उस समय ये टेंस ये वर्क अभी चल रहा है देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यू आई एम वर्किंग हार्ड फॉर माई एनुअल एग्जामिनेशन तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वी कैन यूज वर्ड्स लाइक नाउ एट प्रेजेंट एट दिस मोवेंट दिज डेज नाउ एट प्रेजेंटली रिजेंटली टू सजेस्ट दैट द एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जिस समय आप बात कर रहे हो उस समय वो एक्शन हो रहा है वो काम चल रहा है देन वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे क्या कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस